soon, when all is well, you are going to look back on this period of your life and be so glad that you never gave up. Love all, trust if you, do wrong to none. कच्छ ने मृत संजीवनी विद्या सीखने के पश्चात देवयानी ने उनसे विवाह करने का प्रस्ताव रखा। कच्छ असुरों के द्वारा मारे जाने के पश्चात शुक्राचार्य के पेट से पुनर्जीवित होकर आने से शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी उनकी बहन होने की बात स्पष्ट कर विवाह करने से नकारा और अपने राज्य चले गए। कुछ दिन पश्चात देवयानी असुरराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा और कुछ सहेलियों के साथ वन में गई और वहां सभी तालाब में जल क्रीड़ा करने लगे। तालाब से बाहर निकलने के बाद शर्मिष्ठा ने भूल में देवयानी के वस्त्र पहन लिए और दोनों के बीच वस्त्र को लेकर कलह शुरू हुआ। गुस्से में शर्मिष्ठा ने देवयानी को एक कुएं में ढकेल कर अपने नगर चले गई। इसी समय ब्रह्मजी के 10वीं पीढ़ी का राजा ययाति कुएं के तरफ आकर देवयानी को देखकर उसको बचा लिया। देवयानी शोक से नगर पहुंचकर अपनी बाकी सहेलियों को और पिता शुक्राचार्य को पूरी विषय की जानकारी दी। ये सुनकर क्रोधित हुए शुक्राचार्य ने असुर राज वृषपर्वा के पास जाकर वृषपर्वा और बाकी असुर मिलकर बृहस्पति के पुत्र कच्छ की हत्या कर उसकी राख को पानी में मिलाकर शुक्राचार्य से पिलाने की चेष्टा और अब देवयानी को कुएं में ढकेलने की चेष्टा को भी याद दिलाकर ऐसे राज्य में वह नहीं रहना चाहने की बात बताया। तुरंत वृषपर्वा ने देवयानी के पास जाकर उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश की। तब देवयानी ने शर्मिष्ठा 1000 दासियों के साथ उसकी सेवा करने की अपनी इच्छा बताई। अपनी जाति के हित के लिए शुक्राचार्य राज्य छोड़कर जाना नहीं चाहने वाली शर्मिष्ठा देवयानी जहाँ जाए वहाँ जाकर वह उसकी सेवा करने का वादा कर शर्मिष्ठा देवयानी की दासी बन गई। तब देवयानी प्रसन्न होकर अपने पिता शुक्राचार्य के साथ आश्रम लौट गई।